हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑफ यूनिट 2 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट कारनॉट साइकिल। अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है। अब उसके आगे हम एक इंजन के बारे में पढ़ेंगे। जो इंजन एक साइकिल पे वर्क करता है, साइकिल क्या होता है? साइकिल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस इन विच वी यूज मोर देन 2 or 3 प्रोसेस एंड रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजिशन। So now we will start Carnot cycle. The efficiency of a heat engine cycle greatly depends upon how the individual processes that make up the cycle are executed. The network or efficiency can be maximized by using reversible processes. The best known reversible cycle is the Carnot cycle. Reversible irreversible के बारे में हम पढ़ ही चुके थे, cycle के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जिस cycle पे कोई जो भी होता है, या रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, इंजन हो, वो सब एक साइकिल पे वर्क करते हैं, यानी कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस पे वर्क करते हैं, जहाँ पे प्रोसेस का रिपीटेशन होता रहता है टाइम बाय टाइम। कंसीडर ए गैस इन सिलेंडर पिस्टन। द कार्नोट साइकिल हैज़ 4 प्रोसेस। फर्स्ट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं शुरू के लेक्चर में, आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबेटिक क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है और आइसोकोरिक क्या होता है, और इनके द्वारा वर्क डन कितना होता है, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला जो प्रोसेस होता है, जैसे कि हम साइकिल पर ले चलते हैं आपको, जहाँ 1 से 2 लिखा हुआ है, ये पी वी डाइग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम, जहाँ पर 1 से 2 कोई इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है एक उसका। उसके बाद क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन का मतलब होता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो हमारे पास एक आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, PV/T = constant। तो प्रेशर वॉल्यूम डिवाइड बाई टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर हम 1 और 2 की बात करें तो P1V1/T1 बराबर होगा P2V2/T2। अब आइसोथर्मल का मतलब होता है जहाँ पे टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो T1 और T2 दोनों बराबर हो गए, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच गया P1V1 = P2V2। अब P1V1 की मल्टीप्लिकेशन बराबर है और P2V2 की मल्टीप्लिकेशन बराबर है, तो V1 एक्सपेंशन हो रहा है तो V1 कम होगा और V2 होगा ज़्यादा। तो अगर ऐसा इस तरह से प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रेशर हमारा कम होगा। अब देखो P1V1 = P2V2 बोलें या PV = constant बोलें, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उनमें एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ अगर बढ़ रही होती है तो दूसरी उसके अपोजिट होती है, तो वो घट रही होती है, ठीक है। तो अगर हम इस अब अगले प्रोसेस के बारे में बात करें तो वो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अब ये भी एक्सपेंशन है, अभी भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो द साइकिल पिस्टन इज नाउ इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब होता है जहाँ से ना तो हीट बाहर जाएगी ना हीट अंदर आएगी, एंड गैस कंटिन्यूज टू एक्सपेंड रिवर्सिबली। सो द गैस इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग एंड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन द गैस टेम्परेचर रिड्यूस फ्रॉम TH to TL। तो अब देखो एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक की जो इक्वेशन होती है वो होती है PV/γ = constant। ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अब अगर हम बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है तो अगेन वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। तो अब अगर हम अगले प्रोसेस की बात करें तो वो है कंप्रेशन, लेकिन कैसा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कंप्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा। अब जब वॉल्यूम कम होगा तो सीधी सी बात है प्रेशर क्या होगा, राइज होगा। तो प्रेशर राइज होगा 3 to 4 में। अब 4 से 1 में जाना है दोबारा, तो कंप्रेशन ही होगा, लेकिन कैसा, एडियाबेटिक, जहाँ पर हीट लॉस नहीं होगी, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। तो ये सारे 4 प्रोसेस पढ़ लिए हमने। तो अब हम बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। वो होती है 1 - QL/QH। ये हमने ऊपर पढ़ा था जब इंजन के बारे में पढ़ा था। फॉर द कार्नोट साइकिल इट कैन बी से दैट 1 - TL/TH। अब ये कैसे कह सकते हैं,
क्योंकि जब अभी आप थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक्स पे ही पहुंचे हो, आगे जब जाओगे तो आप देखोगे कि अभी हमने जब हीट की बात की थी ऊपर, तो हीट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो होती है MC, चेंज इन हीट जो होती है वो होती है चेंज इन एंथैल्पी। जब हम ऊपर पढ़ रहे थे नोजल्स के बारे में, तो हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, टर्बाइन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, तो चेंज इन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होती है? PV इंटू इंटरनल एनर्जी, U प्लस PV इक्वल टू एंथैल्पी। तो एंथैल्पी जो होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को डिफाइन करें एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में, तो ये होती है H = होती है MCV dT, यानी DH, चेंज इन H, तो H होती है MCT। तो C क्या है? C कोफिशियंट होता है हीट का, हीट कोफिशियंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अलग अलग होते हैं हर ऑब्जेक्ट के। तो वहाँ से MC कॉमन होगा, तो MC कैंसिल हो जाएंगे, मास, M मतलब मास, C मतलब कोफिशियंट ऑफ हीट, तो M से M कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा T। तो Q की जगह लिखेंगे MC TL, और H की जगह QH की जगह लिखेंगे MC TH। अब वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एफिशिएंसी आ जाएगी कारनोट की। अब अगर हम कारनोट की आगे बात करें, तो एफिशिएंसी अगर कारनोट की बात करें, रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल TH जो होती है वो लेस देन होगी किससे? रिवर्सिबल से। बराबर होगी रिवर्सिबल के जब रिवर्सिबल हीट इंजन है, और ग्रेटर देन होगी जब कोई हीट इंजन इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर कोई रिवर्सिबल है तो TH इसके बराबर होगी, लेकिन इरिवर्सिबल है तो लेस देन होगी इससे, और इससे ज़्यादा हो पाना वो पॉसिबल ही नहीं है। कंसिडर ए कारनोट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू थर्मल रिजर्वायर्स, TL इज इक्वल टू 300 के एंड TH द थर्मल एफिशिएंसी, जैसे इसमें दे रखे हैं टेम्परेचर, TH दे रखा है, TL दे रखा है, TH हमने अलग अलग मान दिए, तो उसकी एफिशिएंसी इस तरह से आती है, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए एक्चुअल हीट इंजन कैन बी मैक्सिमाइज बाय सप्लाइंग हीट टू द इंजन एट द हायर पॉसिबल टेम्परेचर एंड रिजेक्टिंग हीट टू द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। यानी कि H और L में जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी रहेगी। तो एग्ज़ाम्पल ऑफ रेफ्रिजरेटर परफॉर्मेंस, ये एग्ज़ाम्पल है, ए रेफ्रिजरेटर मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ ए फ्रीजर कंपार्टमेंट एट -5°C, ये मैंने कल आपको बताया ही था, व्हेन द एयर सराउंडिंग द रेफ्रिजरेटर इज 22°C, यानी कि मौसम ज़्यादा गर्मियों का नहीं है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट द वर्किंग फ्लूड इज, देखो हीट कैपेसिटी दे रखी है उसकी कि वर्किंग फ्लूड कितनी हीट कैपेसिटी ले रहा है, ठीक है, 1000 kJ/h, 8000, एंड द पावर इनपुट रिक्वायर्ड टू द ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर इज 3200 kJ/h, डिटरमाइन द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड कंपेयर द कोफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम रिजर्वायर। अब इसमें देखो हम दो तरह के निकालेंगे, एक तो हमें इसमें वर्क डन और हीट रिजेक्टेड दे रखी है, और दूसरी इसने हमें टेम्परेचर्स दे रखे हैं, तो अगर हम दोनों तरीके से निकालें तो COP होगा Q.C/W, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हो गया 8000/3200, तो ये आ गया 2.5। अगर हम यही चीज़ टेम्परेचर से निकालते हैं, तो अब टेम्परेचर जो भी हमें दे रखे हैं उन्हें हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर को लेकर जो भी कैलकुलेशन हमें करनी होती है उसे हम केल्विन में करते हैं। अगर कारनोट के हिसाब से हम एफिशिएंसी निकालते हैं 1/TH-TC-1, तो ये इसका मतलब होता है कि कारनोट साइकिल की परफॉर्मेंस और कारनोट रेफ्रिजरेटर, तो ये आती है हमारी 9.9, तो ये डिफरेंस होता है बेसिक इंजन की एफिशिएंसी में, और एफिशिएंसी कारनोट साइकिल को यूज़ करके पहले हम उसकी एज ए इंजन लेके उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर उस एफिशिएंसी को 1 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आएगा रादर देन द कोफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर कैलकुलेटिंग थ्रू हीट सप्लाइड एंड द सॉरी हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सॉरी रेफ्रिजरेटर एवेपोरेटर एंड वर्क डन बाय द रेफ्रिजरेटर। ओके, तो दिस इज़ अबाउट द कारनोट साइकिल इन दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। मैंने आपको बताया था होगा कि 0°C जो टेम्प जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है
वो टेम्परेचर के बारे में डिफाइन करता है। तो टेम्परेचर स्केल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।